हेलो जी नमस्कार, मेरा नाम है शेफ हरपाल सिंह सोखी। मैं बना रहा हूँ सोया पालक मेथी बर्गर। बर्गर ना खाएंगे तो मजा आ जाए। मैं बना रहा हूँ बिल्कुल स्ट्रीट फूड वाले अंदाज में। तो कैसे बनता है चलिए आपको बताता हूँ। तो सोया पालक मेथी बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले थोड़ा तेल ये ले लेते हैं, भुनाई करनी है थोड़ी सी। तो ये तेल में हम लहसुन डाल लेते हैं एक बड़ा चम्मच, और अब इसमें पालक और मेथी डाल लेते हैं, और इसमें सोया कीमा जो सोया मिलता है आपको मार्केट में कीमा वो यूज करना है, और ये भी भून लेते हैं अच्छे से। इसमें थोड़े मसाले डाल लेते हैं, धनिया पाउडर एक बड़ा चम्मच, रेड चिली पाउडर एक छोटा चम्मच ये लीजिए, हल्दी पाउडर एक चौथाई छोटा चम्मच, और नमक डालिए और करिए मेरा नमक है बड़ा आला मैंने आहा बर्गर में डाला क्या बात है। और ये मसालों के बाद भुनाई कर लेते हैं। अब इसमें डालते हैं बॉइल्ड आलू, और अब ये मिश्रण बिल्कुल तैयार है। इसे एक बोल में निकाल लेते हैं, इसमें हम थोड़ा सा धनिया डालेंगे, अब फ्रेशनेस के लिए थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब डाल लेंगे। बाइंडिंग वैसे तो आ गई है लेकिन थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब इसमें डाल लेते हैं, 2 से 3 बड़े चम्मच ब्रेड क्रम्ब के डाल लें और 2 बड़े चम्मच धनिया के डाल लें। इसको मिक्स कर लेते हैं। ये लीजिए मिश्रण तैयार। फाइनली इसमें चॉप्ड अनियन डलेगा, एक बढ़िया बड़ा वाला चॉप्ड अनियन डाल ले। बर्गर का मिश्रण अब तैयार है, बर्गर पैटीज बना लेंगे बढ़िया तरीके से। बर्गर बन की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले ये लीजिए ये बढ़िया बन ले लेते हैं, इसको हम सेक लेते हैं, थोड़ा सा बटर लेते हैं पैन में, ये लीजिए बन को हमने सेक लिया, वाह ये लीजिए ये हो गई बन की तैयारी पूरी। अब नेक्स्ट स्टेप हमें पैटीज बनानी है, ठीक है जी। सबसे पहले पैन में थोड़ा तेल डाल लेंगे और हाथों में तेल लेके इस तरह से लगा लें, ये लीजिए तेल लगा लिया, और ये जो हमने मिश्रण बनाया है बढ़िया वाला ये ले लेते हैं। अच्छा अब तरीके 2 है, आप इसे क्रम्ब फ्राई कर सकते हैं, मतलब कि घोल बनाइए ब्रेड क्रम्ब लगाइए डीप फ्राई करिए, लेकिन मैं डीप फ्राई नहीं कर रहा हूँ, मैं शैलो फ्राई कर रहा हूँ और बिल्कुल ऐसे ही, इसलिए मैंने ब्रेड क्रम्ब्स मिश्रण में मिला दिया था। ये लीजिए बढ़िया पैटी बन गई, और इसे ये गर्मा गर्म तेल में डाल लेते हैं। अब ये जो पैटी है ये एक साइड से बिल्कुल बढ़िया ब्राउन हो गई है, तो इसको पलट देते हैं, दोनों साइड ब्राउन करनी है हमें। ये देखिए एक साइड बढ़िया ब्राउन और दूसरे साइड से भी इसे अच्छे से पका लेते हैं, और ये बन में थोड़ा बटर लगा लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा मेयोनीज डालिए यहाँ पे, थोड़ा सा क्रीमी अगर आपको पसंद है ना तो मेयोनीज लगा दीजिए। आहा क्या बात है। साथ ही साथ थोड़ा सा टमाटो केचप, कुछ बच्चे खाते हैं कुछ नहीं खाते हैं, जो नहीं खाते उनके लिए मत डालिए, ये लीजिए। अब इसमें प्याज, आहा ये भी कुछ लोग खाते हैं कुछ नहीं खाते, जो नहीं खाते उनके लिए मत डालिए। टमाटर, आहा अब ये बर्गर पैटी ले लेते हैं, ये रख लेते हैं इसके ऊपर, देख के मजा आ रहा है गर्मा गर्म पैटीज पे। ये डालिए चीज का स्लाइस और इस पे रखिए ये बन, और परोसने के लिए मेरे पास ये बढ़िया प्लेट, ये लीजिए प्लेट, हाँ, और इसके साथ थोड़े से फ्रेंच फ्राइज जो हमने तैयारी करके रखी है, ये लीजिए क्या बात है, हाँ
घर पे बनाया हुआ सोया पालक मेथी बर्गर जो भी खाएगा खा के सो जाएगा, लेकिन आप सोने मत दीजिएगा, उनको बोलिएगा कि अच्छा खाना खाया है, चलिए जाइए दौड़ लगाइए।